अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मुड़ी खंडो फिश की हेड के साथ बनाना दिखाऊंगी। तो सब तो बनाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग भी बनाते हैं, तो मेरा भी एक तरीका है। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उसके लिए मैंने एक फ़िश का हेड ले लिया, तो ये एक ही हेड है, तो उसको मैंने इस तरह से मिडिल में काट कर लिया और अच्छी तरह वॉश करके रख दिया। और उसके बाद तो एक कोई एक सा भी दाल से बना सकते हो, लेकिन मैंने तीन टाइप का दाल ले लिया। तो मैंने चना दाल ले लिया और काली दाल ले लिया और मूंग दाल जो छिलका वाला है वही ले लिया। और इनको एक दो घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। और भिगोने के बाद देखिए कुछ इस तरह होता है। तो आप चाहे तो ओवर नाइट भी रख सकते हो, तो जल्दी से बन जाएगा। तो भिगोने के बाद अभी मैं इनको साइड करके रख दूँगी, अच्छी तरह वॉश करके प्रेशर कुक कर लूँगी। दो तीन सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लूँगी, तो अच्छी तरह हमारा दाल भी बॉयल हो जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। आप चाहे तो पैन में भी कर सकते हो, लेकिन जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुक होने से बहुत जल्दी बन जाता है। और उसके बाद हमें चाहिए 5 कलियाँ लहसुन का, मैंने इस तरह से बारीक बारीक करके काट लिया। और उसके बाद हमको चाहिए कुछ धनिया पत्ता को मैंने इस तरह से चप कर लिया। और हमको चाहिए एक बड़ा सा इसका मैंने अनियन ले लिया, अनियन को भी इस तरह से बारीक बारीक करके काट लिया। और उसके बाद चाहिए हमको सॉल्ट चाहिए, वो भी स्वाद अनुसार। और साथ में हमें चाहिए 5 फूरन, वो भी हाफ टी स्पून में बाद में उसका क्वांटिटी बताऊंगी। और हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, क्वांटिटी में बाद में बताऊँगी। अभी मैंने एक कुकर ले लिया और कुकर में दाल डाल दूंगी। और दाल डाल दिया और अभी मैं पानी डालूंगी 1 कप। तो 1 कप पानी डाल दिया, अभी मैं सॉल्ट डालूंगी थोड़ा सा डालूंगी, बाद में भी डालूंगी। तो और कुछ नहीं डालूंगी, इनको मैं 3 सीटी तक गर्मी सीटी आ गया, तो 3 सीटी हो गया अभी। तो अभी गैस को ऑफ करके और प्रेशर डाउन होने के लिए मैं रख, और दूसरी साइड में मैं फिश की हेड को थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल के इनको फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो अभी एक फ्राई पैन में मैं फिश की हेड को इस तरह से डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और एक साइड होने के बाद दूसरे साइड में पलट के पलट लूँगी, तो तीनों साइड को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और दोनों साइड फ्राई होने के बाद मैं गैस को ऑफ करके रखूँगी। और दूसरी साइड में मैं 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी, कुछ इस तरह से अंदाजा से डाल दिया मैंने। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 1/2 टीस्पून 5 फूरन डाल दूँगी। तो 5 फूरन भी डाल दिया मैंने। और उसके बाद जो गार्लिक है मैं गार्लिक डाल दूंगी। और गैस की फ्लेम को मैं मीडियम ही रखूंगी। गार्लिक से जब थोड़ा सा खुशबू निकल जाएगा और थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और जब गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें प्याज डालूँगी, जो बारीक कटा हुआ प्याज था वही डाल दूँगी। प्याज को भी मैं फ्राई कर लूँगी।
प्याज को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दूँगी और एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और एक टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप ग्रीन चिल्ली डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ, तो उसी टाइम हमारा मसाला भी भुना हो जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसे गर्म हो जाए और थोड़ा सा पानी देके अच्छी तरह मसाला भून लूँगी और इसी टाइम में मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी ताकि हमारा प्याज जल्दी से नरम हो जाए। तो अच्छी तरह मैं भून लूँगी जब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और दो मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी और फ्लेम को मीडियम ही रखूँगी। अब दो मिनट हो गया तो मैं ढक्कन खोल दूँगी और देखिए हमारा मसाला भी भुना हो गया और पक भी गया। उसी टाइम में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके और दूसरी साइड में हमारा दाल का प्रेशर हट गया तो मैं दाल को चेक कर लूँगी। देखिए हमारा दाल भी पक गया और मैं क्या करूँगी, दाल को एक मिक्सर के साथ इस तरह चम्मच से भी कर सकते हो आप, थोड़ा सा प्रेशर डाल के मैश कीजिए इस तरह। देखिए चम्मच से मैं मैश कर लूँगी इस तरह से, कुछ ही टाइम करने से सारा दाल मैश हो जाएगा। इस तरह से चम्मच से मैं सारी दाल को मैश कर लूँगी, थोड़ा प्रेशर देके इस तरह से मैं दाल को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लूँगी, इतना ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया और अभी मैं दाल को मसालों में डाल दूँगी, क्योंकि इस तरह से दाल के मिक्सचर को डाल दूँगी। और अभी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसी टाइम में गैस की फ्लेम को हाई कर दूँगी। अभी मैं चम्मच से अच्छी तरह हिलाऊंगी दो तीन मिनट तक इस तरह से, नहीं तो नीचे से लग जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखिए। और अभी दो तीन मिनट हो गया तो इसमें मैं पानी डालूँगी करीबन दो कप, तो दो कप मैंने पानी डाल दिया और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें मछली का जो हेड फ्राई करके रखा वही डाल दूँगी। अभी देखिए उबाल आ गया तो इसमें मैं जो मछली का हेड फ्राई करके रखा वही डाल दूँगी कुछ इस तरह से। और अभी मैं इसमें पानी डालूँगी चार कप पानी, तो आप अंदाज़ा से डालिए और इनको अच्छी तरह से ढक के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट हो गया तो अभी देखिए हमारा जो फिश का हेड है उसको मैं चम्मच से इस तरह से तोड़ दूँगी, तो अभी नरम हो गया तो इजीली तोड़ जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से चम्मच से तोड़ दूँगी। कुछ इस तरह से
और मैं जैसा दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसी तरह ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही इजी लगेगा आप लोगों को, इतना जमना नहीं लगेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ही बनाइए। और तल दिया तो अभी मैं और 10 मिनट के लिए फिर से पका लूँगी तो रेडी हो जाएगा हमारा। अभी 10 मिनट हो गया तो अभी मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूँगी कुछ इस तरह से, और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। और उसी टाइम में आप सॉल्ट वगैरह टेस्ट कर सकते हो। तो साफ करके दिखाती हूँ। तो रेडी हो गया हमारा ये मुड़ी गंडो, तो मैं साफ करके आप लोगों को बोल में साफ कर लिया और देखने में कुछ इस तरह हुआ है। तो मैं अभी ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी और रेडी हो गया हमारा फिश की हेड से बनने वाला मुड़ी कंडा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर फिरदौसी, उसमें जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने जैसे बनाए और बहुत अच्छा लगेगा खाने में, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए एक रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।